प्यारा पंडाल है यार, ये देखो कितना बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखो शेर वो भी सजा हुआ है यार, जबरदस्त। और सामने में दिख रहा है आसमानी झूला। Hey guys, welcome back. Vlogs Around Baby एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। Guys, मैं आया हूँ चरोदा जौनपुर, यहाँ पे राम मंदिर पंडाल, गणेश पंडाल बना हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे आरती भी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ लोग आप लोगों को दिखाते हैं राम मंदिर गणेश पंडाल। यहाँ पे देखो बहुत प्यारा सा गेट बना हुआ है और लाइटिंग भी काफी गजब की है। यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं और वो हल्का हल्का आप लोगों को दिख रहा होगा, राम मंदिर अयोध्या। गाड़ी पार्किंग चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो। ये देखो काफी लोग यहाँ पे गाड़ी पार्किंग किए हुए हैं और यहाँ पे दुकानें भी हैं जहाँ पे समोसा भजिया सब निकल रहे हैं, लेकिन चाय की दुकान एक भी नहीं है, है लेकिन वो खत्म हो चुकी है। हम लोग चाय के दीवाने हैं तो चाय की तलब मची हुई है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं चाय वगैरह। और यहाँ पे हल्के फुल्के मार्केट भी लगे हुए हैं, तो चंदन मिल जा रहे हैं, खस्ता चाट गुपचुप की दुकान है। नमस्कार। और हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए थे अभी। देखो ये जोन टू है, मैं ये सेकंड बार आ रहा हूँ मैं जोन टू। जब भी आया हूँ ना गणेश पंडाल में ही आया हूँ मैं, और हमने अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर दिया है। तो अभी हम पंडाल दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है नौ युवा चेतना मंच, इनके द्वारा ये पंडाल सजाया गया है भाई साहब। और मोमोज खाने पीने के काफी सारे दुकानें हैं, यहाँ पे फुक्के भी मिल जा रहे हैं यार, बचपन याद आ जाता है फुक्का देख के। और ये सामने में दिख रहा होगा राम मंदिर अयोध्या, ये रहा भाई राम मंदिर अयोध्या। ये पंडाल सजा हुआ यहाँ पे बढ़िया सा, आरती तो चली रही है, मार्केट भी आप लोगों को दिखलाते हैं। गाइस तो सबसे पहले आप लोगों को ये कान के झुमके वगैरह देखने को मिलेंगे, अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए है। वैसे हर जगह इस तरह से दुकानें सब सजे हुए, जैसे कि यहाँ पे चूड़ी वगैरह भी मिल जा रहे हैं, कान के झुमके वगैरह, और यहाँ भी मार्केट है बलून वगैरह छोटे छोटे बच्चों लोगों के लिए। और सुबह से ही बारिश हो रही थी भाई, बारिश के चलते ना इस बार पंडाल अपन सही से घूम नहीं पाए हैं। जैसे बारिश रुकी है हम पहुँच गए हैं चरोदा जोन टू में आप लोगों को पंडाल और यहाँ का माहौल दिखाने के लिए। इस वजह से ना थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा शांत सा लग रहा है, नहीं तो भाई अच्छा खासा भीड़ होता। और ये सामने में बना हुआ है राम मंदिर अयोध्या, बहुत ही प्यारा पंडाल है यार, ये देखो कितना सुंदर सा पंडाल है। वैसे तो हम अयोध्या जाएंगे जब मंदिर का उद्घाटन होगा, तो उस समय तो हम वहीं पर रहेंगे भाई, क्योंकि हमारे राम भगवान का मंदिर बन रहा है और बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, उसकी झलक आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं या फिर हमारे वीडियो में। और यहाँ पे देखेंगे तो मेला भी लगा हुआ है, ड्रैगन और आसमानी झूला, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे, फिलहाल पंडाल दिखाते हैं। वैसे तो दिख ही रहा है पंडाल, बहुत प्यारा पंडाल सजा हुआ है और सब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। गाइस तो चलो पंडाल को हम पास से दिखलाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कितने छोटे छोटे लाइट लगा के रखे हुए हैं, जो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे गार्डन जैसे बना के रखे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखो शेर, क्या बात है, जबरदस्त लग रहा है भाई, लाइटिंग भी अच्छी है, लेकिन चेंज हो रहा है भाई लाइट। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं जो चेंज होते जा रहे हैं, तो देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये रहा राम मंदिर, इस तो हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे मिल रहे भाई, मैं सोच नहीं था कि चरोदा में हमारे सब्सक्राइबर होंगे करके। वैसे ये भिलाई से ज्यादा दूर है ही नहीं, मात्र कितना किलोमीटर होगा, फिर भी 16-17 किलोमीटर होगा। और यहाँ पे देख रहे हो पूरे झूले लगे हुए हैं और यहाँ पे काफी सारे चित्र हैं। ये देखो इस तरह से काफी सारे कृष्ण भगवान जी के चित्र हैं जो आपने देखा होगा,
श्री कृष्णा पूरा दर्शाए हुए हैं, कंस मामा भी इसमें और राम भगवान के भी फोटो लगे हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान जी के काफी सारे राम भगवान जी के फोटो लगे हुए हैं, ये देख लो बढ़िया सा, बहुत प्यारा लगा यार ये थीम। चलो थोड़ा अंदर से भी दिखलाते हैं, जूते चप्पल अपने को बाहर में छोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे पूरा थर्माकोल है और ऐसा लग ही नहीं रहा था दूर से कि ये थर्माकोल से बना हुआ है, ऐसा लग रहा था कि रियल का ही है। चलते हैं, यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छा खासा दिया हुआ है और जैसे कि मैं आपको बताया कि बारिश की वजह से ये पूरा गीला हो गया है और देख रहे हो लाइटिंग, वाह यार मस्त सजा के रखे हुए हैं। चलो गणपति महाराज जी का दर्शन कराते हैं और अंदर से पंडाल देखते हैं हम लोग कैसे सजा हुआ है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं बखूबी सजा हुआ है यार, जबरदस्त बेहतरीन, झूमर भी अच्छे खासे लगे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे झूमर लगे हुए हैं और बहुत प्यारा सजा हुआ है। और गणपति महाराज जी का दर्शन कराते हैं फिर आपको सिनेमैटिक ये यहाँ का पंडाल दिखाते हैं। आरती चल रही है, आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला भाई अपने को। बाहर से फिर से आप लोगों को पंडाल दिखाता हूँ, अभी मैं आप लोगों को इस साइड से पूरा दिखा रहा था, उसके बाद फिर अंदर चले गया था, अब इस साइड से भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं राम भगवान हनुमान जी का, ये देखो इस तरह से काफी सारे फोटो लगे हुए हैं क्योंकि ये है राम दरबार अयोध्या, बहुत सुंदर सा पंडाल सजा हुआ है। ये देखो भाई साहब इतना जबरदस्त दिख रहा है और अभी धीरे धीरे लोग आ ही रहे हैं दर्शन करने के लिए गणपति महाराज जी का। तो अभी आरती खत्म हो चुकी है और हम आप लोगों को यहाँ पे जितने भी झूले लगे हुए हैं वो दिखा देते हैं। ये देखो इस तरह से काफी सारे झूले लगे हैं, काफी सारे मैं भी बोल सकता हूँ लेकिन हाँ जो मेजर जो झूले होते हैं वो सारे लग चुके हैं यहाँ पे और भीड़ भी है इसमें। देखो ये तैयार है भाई घूमने के लिए और सामने में दिख रहा है आसमानी झूला और इसका प्राइस 50 रुपये है और बच्चे लोगों के लिए है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं दो लोग। नहीं ये देखो भाई आसमानी झूला, इसमें लाइट नहीं दिया यार, लाइट देता तो काफ़ी अच्छा दिखता बट क्या कर सकते, दिए ही नहीं है इसमें। और यहाँ भी अच्छा, यहाँ भी एक झूला यार ऑक्टोपस वाला, ये देखो क्यूट सी बेबी बहुत प्यारी सी लग रही है यार लड़की इस तरह से। देन यहाँ पे है ऑक्टोपस, ये भी इसका भी आनंद उठा पाएंगे आप, इसका चार्जेस 40 रुपये है तो भाई ये लेकिन काफ़ी खतरनाक है ये वाला। बाकी उसी तरह से झूले देखने को मिलते हैं, मेजर आसमानी झूला, ब्रेक डांस और ये कौन सा यार टोरा टोरी है, ये भी देख लेते हैं टोरा टोरी, तो इसी का वेट कर रहे हैं। देखो चालू हो रहा है धीरे धीरे और ये रहा पंडाल, भव्य पंडाल अयोध्या।